नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, 2700 के आसपास पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, और क्या है पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और क्या है पूरी जानकारी, पदों का विवरण, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हो भर्ती हेतु संभागवार आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है। इसमें आप देख सकते हो कुल जो रिक्त पद है वो इस प्रकार से है। कुल रिक्त पदों का विवरण इसमें दिया गया है। ये अनारक्षित का है, ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इस प्रकार से है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का है वो 340 है, अनुसूचित जाति का वो 259 है, और अनुसूचित जनजाति का 867 है, और अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी वालों का 965 पद इसमें कुल रिक्त बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है। और आप देख सकते हो रायपुर में है वो 500 है, बिलासपुर में है वो 700 है, दुर्ग में है वो 400 कुछ है, बस्तर में है 500, सरगुजा में है 520, और महायोग आप देख सकते हो टोटल मिलाकर के 2700 इसमें पदों की संख्या दी गई है। इस प्रकार से ये विज्ञापन दिया गया है। दोस्तों, ये विज्ञापन आप देख सकते हो विज्ञापन, और इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है, जो मतलब जो इच्छुक अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र करना चाहते हैं, वेबसाइट आप देख सकते हो www.cghelta.nic.in के माध्यम से 5/11/2021 से 25/11/2021 तक 5 बजे तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है दोस्तों, 25 तारीख तक का आपके पास समय दिया गया है। इसमें आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स वाले जो इच्छुक अभ्यर्थी है, इंटीग्रेटेड कोर्स के जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। वैकेंसी किस प्रकार से निकाली गई है, NHM मिशन छत्तीसगढ़ से निकाली गई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये वैकेंसी है। ये नोटिफिकेशन इस दिनांक के अंतर्गत ये निकाला गया है। इसमें आप देख सकते हो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के सुचारू संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, ये जो अभ्यर्थी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पदों का विवरण आप इस प्रकार से देख सकते हो। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें, ये देखिए दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों के लिए मानदेय और अन्य सुविधा इस प्रकार से रहेगी। प्रति माह सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा के रूप में कार्य करने के दौरान प्रति माह जो राशि दी जाएगी वो 16,500 रुपये आपको दी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हो वेतन एकमुश्त एवं साथ में कार्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि वो 15,000 रुपये तक दी जाएगी। प्रतिमाह अधिकतम जो राशि आपको 15,000 रुपये तक दी जा सकती है प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा दोस्तों, जो भी दिशा निर्देश होंगे वो आपको फॉलो करने होंगे। शैक्षणिक योग्यता के लिए आपके पास क्या क्या अनिवार्य है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग और बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होना आपके पास जरूरी है। इसके अलावा आपके पास छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग का पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो आपके चयन के पश्चात आपको 45 दिन का अलग से समय दिया जाएगा। ये आयु रहेगी, नियम एवं शर्तें इस प्रकार से रहेगी दोस्तों, जो भी होगी वो इस प्रकार से। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, ये देखिए पूरी जानकारी है इसमें, आपका जो